Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to this new series of lecture. और मैंने आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एक काफ़ी अरसे से हम चले आ रहे थे, तो मुझे भी आसानियत हो गई थी और मैं चाहता था कि एक नया कोर्स हो और ताकि वो थोड़ी वैरायटी और चेंज बेहतर होती है. तो इसलिए आज जो हमने जिस सब्जेक्ट को मैंने चूज़ किया है वो कोर्स कंक्रीट डिज़ाइन है. मुख्तलिफ नाम से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ उसमें, और पर्टिकुलरली मैंने जो आज इसको टाइटल दिया है वो डिज़ाइन रिइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि ये इस चीज़ को थोड़ा सा मेरे जहन में जो पर्सपेक्टिव है मैं चाहता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि मोस्टली आप अंडरग्रेड लेवल पे जो बुक्स देखेंगे वो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स पढ़ाते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं, स्लैब्स हैं, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, फाउंडेशन हैं, या दूसरे जो ओवरहेड वाटर टैंक हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, इसके डिज़ाइन पढ़ाए जाते हैं. तो फंडामेंटली जो तमाम ये चीज़ें हैं वो चूँकि रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की है, रिइंफोर्स कंक्रीट मटेरियल की बनी हुई है, तो उसके दो एस्पेक्ट ये हैं कि एक तो आप उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट देख लें कि किस तरीके से वो कंपोनेंट डिज़ाइन होने हैं, दूसरा ये कि उसका जो फंडामेंटल बिहेवियर है रिइंफोर्स कंक्रीट का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस वो क्या है. क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि चार बुनियादी किस्म की फोर्सेज हैं जो कि इनकाउंटर करते हैं हमारे कंपोनेंट, वो एक्सियल फोर्सेज हैं, उसमें आपके पास ये मोमेंट्स हैं और उसकी टॉर्जन है, शेयर फोर्सेज हैं. तो ये चार फोर्सेज हैं जो फंडामेंटली एक इनिशियली किसी भी स्ट्रक्चर पर लगती हैं, देन वो हम जो जितना भी डिज़ाइनर एनालिसिस करते हैं, ये जो आपने जितने भी आपने क्या इसका अपने जो एक्सपोजर है आप रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन पर उसमें आपने देखा होगा, तो कंपोनेंट का डिज़ाइन जो है वो मोस्टली किसी कोड या तो एशियाई कोड, हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ये है कि एशियाई कोड को फॉलो करवाया जाता है, तो एशियाई कोड के जो प्रोविजंस हैं, जो लेटेस्ट कोड है उसको हम कोशिश करते हैं उसको फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को वो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव सिखाएं. उसके अंदर ये होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिइंफोर्स कंक्रीट है, उसका जो बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक लाइटर मोड में, हल्के मोड में उसको दिखाया जाता है, और ज़्यादा कंसिडरेशन की जाती है कि जो डिज़ाइन की वो रिकमेंडेशंस हैं और जो फार्मूलाज हैं उसको बता दिया जाता है. तो ये जो आज का हमारा कोर्स है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में है. इसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम डिज़ाइन पर्सपेक्टिव में जो एशियाई का कोड है, 90 का जो लेटेस्ट कोड है, उसको हम कोशिश करेंगे कि फॉलो करते चले, क्योंकि एशियाई रिविजन करता रहता है कोर्सेज की. तो एशियाई कोड 318 जो है, 318-19 जिसको हम कहते हैं, 318-19 का जो 2019 का कोड है, उसको इंशाल्लाह फॉलो करते हुए जो डिज़ाइन है मुख्तलिफ कंपोनेंट का. अब इसमें कंपोनेंट भी आप जानते हैं कि बहुत सारे हैं, मतलब अगर हमें जो नॉर्मली अंडरग्रेड लेवल के ऊपर सिखाया जाता है, स्टार्ट कराया जाता है, तो वो बीम का बिहेवियर सिखाया जाता है क्योंकि फ्लेक्चर इज द मेन कंपोनेंट, एंड देन फिर उसका शेयर हमें सिखाया जाता है, और फिर बीम में जो है फिर हम उस ये सिंगली रिइंफोर्स और वो डबली रिइंफोर्स बीम हम समझाते हैं. ठीक है, तो एक तो ये है कि जो बेसिक कंपोनेंट है वो है, जो दूसरा जो नॉर्मली PRC2 है उसके अंदर थोड़े से एडवांस लेवल की स्लैब्स हैं या सिलेंडर्स कॉलम है, फूटिंग्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैं, तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं. तो ये जो डिज़ाइन के हैं ये इंशाल्लाह हम पैरेलल में चलाएंगे, जो PRC1 रिइंफोर्स कंक्रीट 1 है, डिज़ाइन 1 है, वो हम साथ साथ चलाते रहेंगे, और डिज़ाइन 2 जो है वो हम वो भी साथ में चलाएंगे. तो जैसे आज आप देख रहे हैं टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा 2 वे स्लैब है, तो दैट वुड बी पार्ट ऑफ डिज़ाइन 2 का जो है, जो एडवांस लेवल की डिज़ाइन की चीज़ें हैं वो हम कराएंगे आज इस लेक्चर में हम वो कर रहे हैं. जो डिज़ाइन 1 है वो भी इंशाल्लाह जो फंडामेंटल्स ऑफ हैं RC के, वो भी इंशाल्लाह हम डिज़ाइन 1 के अंदर कराएंगे. और फिर जो दूसरा पर्सपेक्टिव है जो मैंने आज आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द रिइंफोर्स कंक्रीट, उसके लिए जो है इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मेरी इंटेंशन है कि आई वुड स्टार्ट एन इटालियन कोर्स, और उस पर जो एक बड़ी अच्छी किताब है वो यूनिफाइड थ्योरी की है. यूनिफाइड थ्योरी में ये कि जो डिफरेंट थ्योरी जब तक आई हैं उसको यूनिफाई करके एक सिंगल उसके ऊपर हम ला के देखते हैं कि किस तरीके से एक यूनिफाइड थ्योरी के ज़रिए से हम किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हम तैयार कर सकें. तो ये तो कंपोनेंट के डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव हैं, और जो एक और चीज़ है वो डिज़ाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर सिस्टम है, कि जैसे आपके पास बिल्डिंग है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर हैं सिस्टम है, तो स्ट्रक्चर कंक्रीट स्ट्रक्चरल सिस्टम का जो है वो इंशाल्लाह उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि एक कोई लेक्चर और सीरीज ऑफ लेक्चर या कोई कोर्स हम इंशाल्लाह शुरू कर सकें. तो वो इंशाल्लाह फिर एज अ सिस्टम के तौर पर हमने एक इंडिपेंडेंट किसी एक यूनिट को अगर आपने किसी को डिज़ाइन करना है तो वो
जिस तरीके से स्लैब का लोड आ रहा है, किस तरीके से स्लैब का लोड ये बीम्स के ऊपर जा रहा है, बीम से किस तरीके से लोड के कॉलम के ऊपर, जो बीम कॉलम के कनेक्शंस हैं वो क्या है, जो स्लैब और बीम के कनेक्शंस हैं वो क्या है, तो ये जो फिर एक पूरा एक स्ट्रक्चरल सिस्टम के तौर पर स्ट्रक्चर बिहेव करता है वो इंशाल्लाह कि डेली पे वो डिफरेंट वो होगा हमारे पास कोर्स। तो इस तरीके से काफ़ी, क्योंकि वैरायटी आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है ये बहुत ही ब्रॉड और बड़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की हुआ है, तो ये हम इसको एक दरिया को एक कूजे में बंद नहीं कर सकते, विल हैव टू, जिसे हम कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक कंपोनेंट को हमें सेपरेटली एड्रेस करना होगा और इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में एड्रेस करना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम बड़ी तेज़ी के साथ जाके कोई आपको चीज़ समझाएंगे। तो अगर इफ़ यू हैव इंटेंशन, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न, तो डेफिनेटली विल हैव टू स्पेंड टाइम, यू विल हैव टू इंटेंशन, आपको अपनी वो बड़ी क्लियर रखनी होगी कि यस यू वॉन्ट टू लर्न एंड देन इंशाल्लाह फिर हम डिफरेंट कोर्सेज के जरिए से जो कोर्स डिज़ाइन है इसको हम लेकर के चल सकेंगे। तो आज जो क्रक्स है अब तक की जो मेरी 2-3 मिनट की डिस्कशन है वो ये है कि राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द डिज़ाइन, रिइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 1 एंड 2, ठीक है, और ये टू वे स्लैब्स है दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन 2। तो आई एम नॉट सेपरेटिंग, जो प्ले लिस्ट है उसमें डिज़ाइन 1 और डिज़ाइन 2 के उससे नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा मैंने कि उस कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं आप लोग, तो देन आई विल आई मे सेपरेट द डिफरेंट प्ले लिस्ट के रिइंफोर्स डिज़ाइन में अलग कर दूँ, रिइंफोर्स डिज़ाइन 2 अलग कर दूँ, और फिर जो यूनिफाइड थ्योरी का मेरा प्लान है वो फिर डेफिनेटली एक अलग सब्जेक्ट होगा, और जो स्ट्रक्चरल सिस्टम का एक हमारा प्लान है वो फिर एक अलग होगा। तो राइट नाउ टुडे इंशाल्लाह हम टू वे स्लैब की बात कर रहे हैं कि टू वे स्लैब्स क्या है। तो वन वे स्लैब को इंशाल्लाह हम जो डिज़ाइन 1 का होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि वन वे क्या है। अच्छा, अब जो बात समझने की वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्लैब। तो स्लैब कैन बी कंसीडर्ड, तो ये आप जैसे देख ही रहे हैं, एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर हुज डेप्थ एच इज स्मॉल एज कंपेयर टू देयर लेंथ एल एंड विड्थ एस। सब जानते हैं कि स्लैब जो है प्लेट होती है, हैवी चीज होती है जिसकी एक विड्थ भी है, जिसकी एक लेंथ भी है और उसकी एक डेप्थ भी है। तो अदर हर जो हमारे पास कंक्रीट का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, चाहे वो बीम ले ले, चाहे वो कॉलम ले ले, चाहे फुटिंग्स ले ले, चाहे वॉल ले ले, ऑल जो कंपोनेंट है इसके एक लेंथ है, विड्थ है और डेप्थ है ना। तो जो बीम है उसकी कंपैरेटिवली जो विड्थ और डेप्थ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द लेंथ, तो हम इसलिए उसको एज अ लाइन एलिमेंट उसको मोस्टली कंसिडर कर रहे हो। तो जब भी आप देखते हैं कि आप शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनाते हैं तो यू सिंपली ड्रा लाइन और उसके अंदर जो है आप ये सिंपली सपोर्टेड है तो आप दो सपोर्ट उसके नीचे दिखा देते हैं, कंटिन्यूस है तो मतलब कहने का ये है कि उसको एक लाइन एलिमेंट के तौर पर आप दिखा देते हैं। ऑन दी कॉन्ट्री अगर स्लैब है तो स्लैब के अंदर ये कि टू डायमेंशनल प्लेन वो है और उसकी जो तीसरी डायमेंशन है डेप्थ इज वेरी स्मॉल, देन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ स्लैब। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ स्लैब इज वन सपोर्टेड ऑन टू अपोजिट साइड्स। जो सबसे आसान फॉर्म है वो आप सब जानते हैं कि वन वे स्लैब होती है, टू अपोजिट साइड के ऊपर सपोर्ट अगर कर दें सबसे आसान है, विच प्राइमरली डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। ओके, नॉर्मली जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट करती है एंड इज रेफर्ड टू एज वन वे स्लैब, और ये दैट इज वन वे स्लैब दैट वुड बी कवरिंग इन द डिज़ाइन 1-2। तो यहाँ जो ब्रॉड उसमें एक स्लैब को आपको समझाने की जरूरत थी, आपको बताने की जरूरत थी कि स्लैब होती क्या है। तो स्लैब एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एच, और एच इज वेरी स्मॉल, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्लैब है दैट इज सपोर्टेड ऑन टू साइड, एंड इफ इट इज सपोर्टेड ऑन टू साइड देन इट विल प्राइमरली डिफ्लेक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, एंड दैट जो स्लैब होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ वन वे स्लैब। तो स्ट्रक्चरल कंक्रीट स्लैब्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड फ्लैट सरफेसेस, ठीक है, तो प्राइमरली इसका जो बुनियादी इसका आप ये समझ लें कि जो काम है वो फ्लैट सरफेसेस के लिए डाली जाती है, यूजुअली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल होती है नॉट नेसेसरीली, इसलिए हमने टर्म इस्तेमाल की एम्फेसिस किया है कि यूजुअली जो है वो हॉरिजॉन्टल है, इट कैन बी इंक्लाइंड एज वेल। सो इन बिल्डिंग फ्लोर्स कहाँ डाली जाती हैं, फ्लोर्स में डाली जाती हैं, रूफ्स में डाली जाती हैं, ब्रिजेस में डाली जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप हमारी कॉमन सेंस भी हमें बताती है, जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो हमें नजर आती है कि रूफ्स का स्लैब्स कहाँ कहाँ है। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स की स्लैब्स हैं जो कि आपको नजर आ सकती हैं कहीं भी, ठीक है, ए फ्रेम रूफ, बोनेट रूफ, बटरफ्लाई रूफ, फ्रंट गेबल रूफ, डिफरेंट टाइप की अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये फ्लैट रूफ ये वो है जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे इंडो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में।
तो ये जो फ्लैट रूफ्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो अगर आपने देखा होगा यूरोप वगैरह में लगाए होंगे, तो वहाँ जहाँ मौसमियाती बहुत ज़्यादा होती हैं, बर्फ़ है या बारिश है, तो वहाँ फिर वो इंक्लाइन जो रूफ्स हैं या गेबल एंड वेल रूफ है, इस किस्म की रूफ फिर ज़्यादा कॉमन हो जाती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। तो हमारा जो मेन इम्फेसिस होगा वो डिज़ाइन ऑफ फ्लैट रूफ होगा। डेफिनेटली वी कैनॉट कवर ऑल दिस टाइप ऑफ रूफ, ठीक है। तो मोस्टली वी वुड बी स्पेंडिंग टाइम ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस फ्लैट रूफ। तो जो स्लैब है किस किस टाइप की हो सकती है, जो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट्स, इट मे बी सपोर्टेड बाय वॉल्स, ठीक है जी, एंड देन बाय रिइंफोर्स कंक्रीट बीम्स, जो कि आप देखते हैं ये हमारे पास ज़्यादा कॉमन है, यूजली कास्ट मोनोलिथिकली विद द स्लैब, क्योंकि स्लैब और बीम की जो कास्टिंग होती है वो मोनोलिथिक होती है, एक साथ ही फॉर्म वर्क लगा के कंक्रीटिंग की जाती है, जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही होगी, इस फिगर में नज़र आ रही होगी। ये बीम्स हैं और ये स्लैब्स हैं, ठीक है। बीम और स्लैब की जो कास्टिंग है वो मोनोलिथिक होती है। बाय स्ट्रक्चरल स्टील बीम, बताती है कि स्लैब जो है वो स्ट्रक्चरल स्टील बीम पर परस्त करवाई गई है। बाय कॉलम्स, ये आपको ऑन दी कॉलम पे, ये भी बहुत कॉमन है हमारे पास नज़र आती हैं, कि अगर विदाउट एनी थिंग डायरेक्ट कॉलम पर परस्त कर दिया, देन वी कॉलिंग इट टू बी अ फ्लैट स्लैब, आई मीन इट इफ इट इज़ रेस्टिंग ऑन ड्रॉप ऑन पैनल है, तो विद ड्रॉप पैनल, ये विद कॉलम हेड एंड विद फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप पैनल कॉलम हेड, दोनों के साथ ये किस्म की, क्योंकि कॉलम के साथ जो है वो फिर आगे हम चल के डिस्कस करने वाले हैं, एक माइनर सा इशू आता है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है, उस उसको एड्रेस करने के लिए देन वी सम टाइम वी नीड टू प्रोवाइड दिस ड्रॉप पैनल द कॉलम कैपिटल एंड सम टाइम वी नीड टू प्रोवाइड बोथ, एंड देन स्लैब मे रेस्ट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड एज वेल, जो कि जो आप पार्किंग में आपने देखा होगा, ये अगर आप देख रहे हैं तो पार्किंग है वॉलमार्ट की, तो उसकी पार्किंग में जो ये स्लैब है रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन टू द ग्राउंड, ठीक है जी। तो ये दीज आर द टाइप ऑफ स्लैब बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सपोर्ट, और जो टाइप ऑफ शेप के हिसाब से था वो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, कि फ्लैट भी हो सकती है, ए शेप भी हो सकती है, बटरफ्लाई भी हो सकती है, गैबल भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप अबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सपोर्ट, ये इस किस्म की स्लैब्स हो सकती है। तो अब हम पर्टिकुलरली इम्फेसाइज कर रहे हैं अपनी टू वे स्लैब्स, कि वेन द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल फोर साइड्स, जब स्लैब चारों साइड के ऊपर सपोर्टेड है, एंड द लेंथ एल वाई, ये यहाँ से आपको नजर आएगा, दिस लेंथ एल वाई इज लेस देन द ट्वाइस द विड्थ एल एक्स, जब ये लेंथ आपकी इस लेंथ की ट्वाइस से कम, मतलब तो ये अगर आपके पास पाँच है, ठीक है, और ये आपके पास आठ है, तो फिर ये इसका ट्वाइस, पाँच की ट्वाइस क्या है, दस, तो 10 से अगर लेस है तो फिर हमारे पास ये जो स्लैब होगी दैट विल डिफ्लेक्ट इन टू डायरेक्शन, इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन के अंदर भी डिफ्लेक्शन आएगी, और इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन के अंदर भी डिफ्लेक्शन आएगी, देन द स्लैब विल डिफ्लेक्ट इन टू डायरेक्शन। तो अगर स्लैब ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो भी हमने एक दो स्लाइड पहले हमने एक्सप्लेन किया कि प्राइमरली वन डायरेक्शन में हो रही है, तो फिर देन वी कॉल दैट टू बी अ वन वे स्लैब, तो फिर इस सूरत में यहाँ हम इसको कहेंगे कि देन दैट वुड बी अ टू वे स्लैब। तो डिफ्लेक्टेड शेप जो है या टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन अगर टू डायमेंशनल है उसकी, तो फिर वो हम उसको क्या कहेंगे, टू वे स्लैब कहेंगे। एंड द लोड ऑन दिस ऑन दिस स्लैब्स आर ट्रांसफर ऑन ऑल फोर, लोड कहीं भी होगा तो वो ट्रांसफर होगा तमाम चारों के चारों सपोर्ट, दिस स्लैब इज रेफर्ड टू एज अ टू वे स्लैब। तो नॉर्मली आपने भी पढ़ा हुआ होगा कि जो हम कहते हैं कि ट्वाइस से अगर कम है रेशियो तो फिर टू वे स्लैब है, और ट्वाइस से ज़्यादा है तो फिर वन वे स्लैब है। ये बेसिकली ऐसा है कि जब ट्वाइस से लेस होता है तो फिर इसका जो बेसिक एक्शन होता है स्लैब का वो टू डायमेंशनल होता है, टू वे होता है, वो एक डायमेंशन के अंदर नहीं करती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर टू से ज़्यादा होगा तो फिर वो वन डायमेंशनल होगा, और स्लैब एक ही डायमेंशन के अंदर रिफ्लेक्ट करती होगी, तो उसको हम वन वे स्लैब करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा मजीद हम इसको बता रहे हैं कि क्या है, कि अब अगर ये अगर आप इस पर्टिकुलर स्लैब को देखें, तो ये स्लैब में ये बीम हमने फर्जी बीम आपको दिखाई हुई है, और हम ये बता कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्लैब है, ये स्लैब इस तरीके की जो ये बीम्स हैं, ये नंबर ऑफ बीम होंगी, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो स्लैब की लेंथ है, उसकी जो विड्थ है, उसको आप एक एक फिट की लेंथ सपोज बीम के अंदर तकसीम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने अजम्पशन की है, एंड देन यू आर अप्लाइंग अ लोड ओवर हेयर, अब हम इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वंस अंडरस्टैंडिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फिगर, कि क्या फिगर बताना चाह रही है, एंड देन विल गो एंड रीड द डिस्क्रिप्शन, कि द बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन इन सच स्लैब्स आर लेस देन दोज इन वन वे स्लैब, ऐसी सूरत में जो इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन आती हैं वो लेस होती हैं एज कम्पेयर टू वन वे स्लैब, दस द सेम स्लैब कैन कैरी मोर लोड वेन सपोर्टेड ऑन फोर साइड्स। तो ऐसी स्लैब जो होती है
वो ज़्यादा लोड ले लेती है अगर आप उसको फोर साइड के ऊपर सपोर्ट कराएं। तो ये आगे चल के हम देखेंगे, इसको हम डिफरेंट उससे इस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या कहानी हो रही है। अब द लोड इन दिस केस इज कैरीड इन टू डायरेक्शन। अब अगर यहाँ जो हम इस लोड को लगा रहे हैं, हम ये कहने की बात कर रहे हैं कि ये लोड दो डायरेक्शन में कैरी हो रहा है एंड द बेंडिंग मोमेंट इन ईच डायरेक्शन इज मच लेस देन द बेंडिंग मोमेंट इन द स्लैब ऑफ द लोड वाज कैरीड इन वन डायरेक्शन। और अगर इसी स्लैब को हम को ये कह रहे हैं कि वन डायमेंशन के अंदर कैरी करवाते हैं तो फिर यहाँ जो थी वो बेंडिंग मोमेंट काफ़ी कम आएगी, इज लेस देन द बेंडिंग मोमेंट इफ अगर इसको आप वन डायरेक्शन करते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आप यहाँ मैं एक स्क्रीन ले लूँ तो यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये पेन भी ले लेते हैं। तो ये अगर हम उसी स्लैब को अगर आप देखें तो उस स्लैब को हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्लैब मैं आपको वही टू डायमेंशन स्लैब है, ठीक है, ये मैं छोटी सी इसकी थिकनेस भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से ये आ रही है और ये यहाँ से ये आ रही है। तो ये एक हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज टू डायमेंशन स्लैब और हम ये कह रहे हैं कि ये स्लैब इज बीइंग डिवाइडेड इनटू अ बीम्स। आप ये समझ लें कि ये स्लैब जो है बीम्स की बनी हुई है, या स्लैब को हम तकसीम कर सकते हैं डिफरेंट बीम में, ठीक है। तो ये वो बीम्स हैं जो कि यहाँ चले जा रहे हैं, इसको हम यहाँ से यू कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से यू कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से यू कर देते हैं। तो ये वो डिफरेंट बीम्स हैं जो कि हम दिखाना चाह रहे हैं। और अब हम इसी डायमेंशन में कह रहे हैं कि यहाँ भी हम ये समझ लें इस तरीके से स्लैब जो है ये इस बीम की बनी हुई है। तो ये स्लैब को हमने डिवाइड कर दिया है इन डिफरेंट बीम्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली ये ऐसा है कि ये बीम्स हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो स्लैब की ये लेंथ है, ये अगर आप समझ लें लॉन्गर साइड है एल वाई और ये शॉर्टर साइड है एल एक्स, हम ये कह रहे हैं कि भाई स्लैब को इन नंबर ऑफ पीपल में, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे टू वे एक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ कोई लोड सेंटर के ऊपर यहाँ हैंग करते हैं, इस जगह के ऊपर यहाँ अगर आपने कोई लोड हैंग कर दिया, अब ये स्लैब क्या होगा, ये लोड किस तरीके से, अब ये स्लैब इज बीइंग सपोर्टेड ऑन फोर साइड, एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है और तीसरी सपोर्ट यहाँ, ये चार सपोर्ट के ऊपर ये स्लैब रेस्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि व्हेन वी विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर लोड तो व्हाट वुड हैपन, दिस लोड वुड बी ट्रांसफर्ड ऑन दिस सपोर्ट, ऑन दिस सपोर्ट, ऑन दिस सपोर्ट, ऑन दिस सपोर्ट। दूसरी बात है चार सपोर्ट है, चारों सपोर्ट उसका लोड को ले रही होंगी, क्योंकि लोड जो है ये कहाँ अप्लाई हुआ हुआ है, सेंटर में हुआ हुआ है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये अगर एक इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर है तो यहाँ ये लोड इधर से यूं जाएगा और इधर से यूं, इस बीम या स्ट्रिप के जरिए से लोड यहाँ से यूं जाएगा और यहाँ से आने के बाद ये अपना लोड ट्रांसफ़र करेगा इस पर्टिकुलर बीम के ऊपर, और ये बीम इस लोड को यहाँ से यूं ट्रांसफ़र करेगी और यहाँ से यूं ट्रांसफ़र करेगी, एंड देन अल्टीमेटली दिस वुड बी ट्रांसफर टू दिस सपोर्ट एंड ट्रांसफर टू दिस सपोर्ट। इन द सेम वे जो लोड हमने यहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश की थी वो आपके पास इस स्ट्रिप के अंदर आएगा और यहाँ से इसमें ट्रांसफर होगा और यहाँ से इसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है, इस बात की समझ में आ रही। सेम वे जो दूसरी डायरेक्शन है, तो ये लोड तो यहाँ से यूं भी तो जा सकता है, यूं और यहाँ से यूं। अब अगर ये लोड यहाँ से यूं और यूं आ रहा है तो इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये भी है कि यहाँ से ये इस पर ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये इस पर ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये इस पर ट्रांसफर होगा, यहाँ से इस पर। तो द सेम लोड जो ये लोड है, ये लोड इस डायरेक्शन के अंदर भी जा रहा है आपके पास इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में। तो अब इस तरीके से जो हमारे पास स्लैब है, स्लैब के ऊपर जो लोड आता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। इसका मतलब ये है कि हर जगह के ऊपर जो लोड है उस लोड के अफेक्ट, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में इसका मतलब ये है कि इस बीम से इस वाली बीम के ऊपर आया, इस वाली बीम के ऊपर आया, इस वाली बीम के ऊपर आया, एंड देन अल्टीमेटली ये कॉर्नर वाली इस पर चला गया। इसी तरीके से जो हम इस डायमेंशन में जा रहे थे, इस पर लोड आया, इस पर लोड आया, इस पर लोड आया और यूं ट्रांसफर हुआ। तो जहाँ जहाँ लोड है वो लोड का जो ट्रांसफर का मैकेनिज्म है वो एक दूसरे को साथ ट्रांसफर करता हुआ वहाँ जा रहा है और इसी डायमेंशन में ट्रांसफर करता हुआ आपकी तरफ भी आ रहा है। और तो दोनों डायमेंशन है स्लैब की, उन दोनों डायमेंशन के अंदर लोड का ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा। तो दैट व्हाट द कॉमन सेंस इज, आई होप कि ये टू डायमेंशन जो टू वे एक्शन है स्लैब का वो आपकी समझ में आया है, कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। वैसे भी अगर आप देखते हैं जो हमारे पास बीम्स होती हैं उसको हम एज अ लाइन एलिमेंट लेते हैं और उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो वन डायमेंशन होती है। तो यहाँ मैं एक और स्क्रीन ले लेता हूँ,
ये आके ये स्क्रीन ली ये। अब हम जो नॉर्मली स्लैब्स को ये अपनी बीम को लेते हैं वो हम यूं दिखा देते हैं, ये हमने लोड डाला और हम कहते हैं कि भाई ये जो है दिस वुड बी दी शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस स्लैब ऑफ दिस बीम एंड दिस वुड बी दी बेंडिंग मोमेंट, तो इसकी होगी वो कैसी बनेगी, अब यूं बन जाएगी। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा, ये इसकी सिर्फ बन जाएगी। अब ये हम क्या कह रहे हैं कि एज ए लाइन एलिमेंट हम इसको दिखा पा रहे हैं, लेकिन एज फॉर द केस ऑफ द स्लैब इज कंसर्न वी कैन नॉट शो दिस पर्टिकुलर स्लैब इन अ लाइन एलिमेंट, सो वी नीड टू डिस्प्ले इन अ प्लेन फॉर्म, एक प्लेन उसके फॉर्म में हमें दिखाना होती है, एंड देन वी कैन ओनली शो कि द ट्रांसफर मैकेनिज्म किस तरीके से दो डायमेंशन के अंदर आपके पास ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा। तो दैट्स वाई दिस जो बीम है, ये जो स्लैब्स हैं, दे आर टू वे, इस वजह से कहला रही है कि जो इस पर ट्रांसफर हो रहा है किसी भी लोड का किसी भी पॉइंट पे पर वो टू डायमेंशन होता है। वैसे भी अगर आप देखते हैं तो ये जब आपकी डिफ्लेक्टेड शेप होती है, इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो ये है, बहुत एग्जैचरेटेड फॉर्म में डिफ्लेक्टेड शेप ये, इसका मतलब ये है कि इस जगह के ऊपर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है और इस तरीके से डिफ्लेक्शन यहाँ रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इस डिफ्लेक्शन को अगर आप रिलेट करें इस मोमेंट के साथ तो आपको क्या हो रहा है कि जहाँ मोमेंट ज़्यादा है वहाँ डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, जहाँ मोमेंट कम है वहाँ डिफ्लेक्शन कम है। तो अब अगर जो एक स्लैब की एक प्लेट की आप डिफ्लेक्टेड शेप देखते हैं तो वो डिफ्लेक्टेड शेप एक बाउल की शेप, एक प्याला की शेप की होती है, एक प्लेट की शेप की होती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन हो रही है, ये जो स्लैब है वो, जब इसको यहाँ टू डायमेंशन के अंदर दिखाना काफ़ी मुश्किल है, ये जब डिफ्लेक्ट होगी तो इस डायमेंशन के अंदर भी डिफ्लेक्ट हो रही है और ये फिर इस डायमेंशन के अंदर भी डिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो आपकी डिफ्लेक्शन है, ये इसका मतलब ये इस जगह पे डिफ्लेक्शन ये वाली चीज़ भी कंट्रीब्यूट कर रही है और ये डिफ्लेक्शन ये वाली चीज़ भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे चले जाए तो डिफ्लेक्शन ये वाली भी कंट्रीब्यूट कर रही है, डिफ्लेक्शन ये वाली भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कंट्रीब्यूशन जो आएगी वो टू डायमेंशन आती है, एंड दैट्स व्हाई दिस स्लैब इज नॉन एज स्लैब। ओके, तो इस पर हम इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद भी बनती रहेगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब्स को हम बड़ा क्विकली चले जाते हैं कि जो हमने थोड़ा बहुत पहले भी इसको किया है कि एक्सप्लेन मैं दोबारा कर देता हूँ कि ऑन बेस, तो टू वे स्लैब्स ऑन बीम्स, ये इंशाल्लाह इसको हम डिज़ाइन भी इसका सीखेंगे। दिस केस अकर्स व्हेन द टू वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल फोर साइड, अगर आप देख रहे हैं तो चारों साइड के ऊपर बीम्स से सपोर्टेड है तो देन दैट पर्टिकुलर स्लैब टाइप वुड बी नोन एज द टू वे स्लैब्स ऑन बीम्स। The load from these slabs are transferred to all supported beam. अब यहाँ जो कि सेंटर में कोई स्लैब बीम नहीं है तो फिर क्या होगा, जो लोड होगा वो आपके पास इन चारों बीम के ऊपर ट्रांसफर होगा, एंड देन बीम विल अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द कॉलम। मगर अगर आपके पास ये बीम नहीं है जो कि आप फ्लैट प्लेट या फ्लैट स्लैब कहलाती हैं, ये फ्लैट स्लैब्स आ गई हैं, एंड इफ अ फ्लैट स्लैब इज अ टू वे स्लैब रीइंफोर्स्ड इन टू डायरेक्शन, वो भी जो है वो टू डायमेंशन में होगी जो हमने एच सपोर्टेड स्लैब थी, that usually does not have beams or girder, इसमें beams or girder नहीं होंगे, and the loads are transferred directly to the supporting column, और load जो है वो directly supporting column के ऊपर transfer। ठीक है, ये slab थी, loads are directly transferred to the supporting column। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, the column tends to punch through the slab, इसमें column जो है tends to punch, ये कॉलम अगर आप देख रहे हैं तो ये पंच होने के ये टेंडेंसी होगी क्योंकि आयर्न की कोई चीज़ नहीं है, तो ये एक सिंपल सी ऐसी चीज़ है, ये चीज़ जो है वो आपके पास यूँ निकल आएगी क्योंकि यहाँ जो है इसका पंचिंग इफेक्ट्स के अंदर आ रहा है, तो विच कैन बी ट्रीटेड, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय थ्री मैथड, और ये आप रियल उसमें भी देख सकते हैं कि ये जो पंचिंग शेयर फेलियर हुआ है वो एक रियल में यहाँ हो रहा है, इसके रेफरेंस भी दे दिया कि कहाँ से ली गई है, कहाँ ये केस हुआ है। तो इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी यूज अ ड्रॉप पैनल एंड अ कॉलम कैपिटल, हम ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल को दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों में से एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप पैनल भी इस्तेमाल हुआ हुआ है एंड दिस कॉलम कैपिटल भी इस्तेमाल हुआ है, दिस इज टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ पंचिंग, क्योंकि हम इस जिस एरिया जो पंचिंग एरिया है उसके अंदर उसको ज़्यादा थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो पंच होने के लिए उसको एरिया ज़्यादा मिलेगा तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी। तो पंचिंग शेयर का जब हम इंशाल्लाह हम शेयर को एक्सप्लेन करेंगे अपने रिइंफोर्स डिज़ाइन वन में, तब वहाँ आप इसको, मेरा जो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मजीद समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये था कि हम दोनों सबको साथ चलाएंगे क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं उसका मकसद ये है, उस इस रिसेप्शन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपने जो डिज़ाइन वन के जो बेसिक्स हैं, जो शेयर के बेसिक्स हैं, जो फ्लेक्चर के बेसिक हैं, वो यू ऑलरेडी नो दैट।
तो अगर जिनको नहीं आती है तो इंशाल्लाह आई विल बी कवरिंग इन अ सेपरेट सीरीज ऑफ लेक्चर. सो यूजिंग अ ड्रॉप पैनल विदाउट अ कॉलम कैपिटल, सिर्फ ड्रॉप पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलम कैपिटल नहीं है. दिस इज वेरी मच कॉमन, ये आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा. वो पिछली जो मैं कराची गया तो अम्मा टावर के अंदर टोटल जो स्लैब थी वो यूं बनी हुई थी. अगर आप टॉप फ्लोर पर जाएंगे तो आपको नजर आएगी जस्ट कॉलम, ये ड्रॉप पैनल नज़र आ रहे हैं, कॉलम कैपिटल नज़र नहीं आ रहा. और तीसरी सूरत जो नज़र आती है वो ये कि कॉलम कैपिटल हो विदाउट ड्रॉप पैनल. तो ये जो है विच इज़ नॉट वेरी कॉमन, ज़्यादा कॉमन ये नहीं है और आपको बहुत फ्रिक्वेंटली ये नज़र नहीं आएंगे. नेक्स्ट जो टाइप है वो फ्लैट प्लेट है. ए फ्लैट प्लेट फ्लोर इज अ टू वे स्लैब सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म स्लैब, जाहिर है वही सारी बातें होंगी. बट दैट रेस्ट डायरेक्टली ऑन कॉलम एंड डज नॉट हैव अ बीम और कॉलम कैपिटल. ना यहाँ बीम होंगी ना कॉलम कैपिटल. ठीक है, एस्थेटिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो कहता है कि नहीं भाई मुझे ना कॉलम कैपिटल डाल के दें ना मुझे जनाब साहब ये बीम्स चाहिए, आई वॉन्ट टू रेस्ट डायरेक्टली ऑन द कॉलम. तो इन दिस केस द कॉलम टेंड टू पंच थ्रू द स्लैब. ठीक है, कॉलम पंच होगा जो मसला तो ज़्यादा वो यहाँ भी होगा, तो आपने इसको अवॉइड करना है. अवॉइड करने के तरीके वो तीन थे, वो तीन तरीके पे वो नहीं मान रहा. देन यू नीड टू प्रोवाइड अ स्पेशल इन्फोर्समेंट. डायगोनल टेंशन स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे फॉर दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड स्पेशल इन्फोर्समेंट. वो स्पेशल इन्फोर्समेंट की डिज़ाइन इंशाल्लाह फ्लैट प्लेट के अंदर जब हम जाएंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे वो किस टाइप की इन्फोर्समेंट हो सकती हैं और उनको हम डिज़ाइन भी कैसे करेंगे. तो ये टू वे रिप्ड स्लैब एंड द वेफर स्लैब सिस्टम, ये भी एस्थेटिक की रिक्वायरमेंट से, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपके पास कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है, रिब्स अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं ना, क्रॉस रिब्स अगर आपने प्रोवाइड कर दी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको रिइंफोर्स कर दिया. तो फ्लैट प्लेट के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा, ये अगर जाहिर सी बात है जब इसकी स्टिफनेस और रिजिडिटी ज़्यादा होगी तो यू कैन प्रोवाइड अ लॉन्गर स्पैन इन दिस पर्टिकुलर वो. सो दिस टाइप ऑफ स्लैब कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट ऑफ अ फ्लोर स्लैब विद अ लेंथ टू वाइड रेशियो लेस देन टू, दैट टू वे होगी. द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज यूजली 2 to 4 inch एंड इज सपोर्टेड बाई रिब्स आर ज्वाइस्ड इन टू डायरेक्शन. दो डायरेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें चल रहा है तो ये लाइटिंग के लिए भी आती है और स्ट्रेंथ और वो दे तो रही है, लेकिन स्टेटिक में आप इसके अंदर लाइट्स लगाते हैं, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. तो ये भी एक टाइप की स्लैब्स है जिसको हम देखेंगे यकीन. तो यहाँ तक हम इसको ख़त्म करेंगे आज के इसको, और जो इकोनॉमिक चॉइसेस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उस पार्ट में कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ये लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे. सो थैंक यू.